हेलो, जो आज हम डिस्कस करें ये हमारा एक घर का नक्शा है और इसका जो प्लाट साइज है 18 फिट बाई 50 फिट है। तो स्टार्ट करते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर प्लान है। इसमें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, 2 बेडरूम सेट हमें उसकी रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका प्लान किया है। आप देख रहे हैं, ये हमारा 18 फिट इसकी चौड़ाई है और 50 फिट इस प्लाट की गहराई है। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा गेट, करीबन 6 फिट विड्थ का गेट यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। और ये हमारा फ्रंट लॉन है, 4 फिट 5 इंच चौड़ाई का फ्रंट लॉन है। इसी में हमारी ये लैंडिंग जो प्लेटफॉर्म है स्टेयर का, ये बाहर निकल के आएगा। और यहाँ 2.5 फिट विड्थ का हमारा छज्जा रहेगा। तो एक बेडरूम हमने यहाँ पे प्लान किया है और एक बेडरूम हमारा ये यहाँ पर बैक साइड में प्लान किया है। तो आप देख रहे हैं, यहाँ से एंटर करते हैं तो एक D1 टाइप का डोर हमारा स्टेयर केस में, यहाँ से एंटर करके सीधे हम लॉबी में जा सकते हैं। तो एक D टाइप का डोर हमने यहाँ पे प्लान किया है, जो कि इस रूम में होते हुए इस लॉबी में डायरेक्ट जा सकते हैं। तो यहाँ से आप ऊपर की ओर फर्स्ट फ्लोर के लिए जाने के लिए हमने यहाँ पर स्टेयर का डिज़ाइन किया है। जो स्टेयर का राइज है 8 इंच और ट्रेड 10 इंच कंसिडर करते हुए हमने इसका डिज़ाइन किया है। जो स्लेब की हाइट है 11 फिट को कंसीडर करते हुए हमने इसकी पूरी प्लानिंग किया है। तो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम का जो साइड है, साइज है 10 फिट 11 इंच और इसकी गहराई 11 फिट 11 इंच है। तो एक स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम है हमारा, पहला बेडरूम। फिर लॉबी है हमारी, लॉबी से अटैच किचन है हमारा। और ये OTS है, ओपन टू स्काई। यहाँ इसको भी वेंटिलेशन मिलता है और किचन को भी यहाँ से वेंटिलेशन मिलता है। ये हमारा दूसरा बेडरूम है, इस बेडरूम को यहाँ से वेंटिलेशन हमें मिलता है। ये OTS हमने यहाँ पे प्लान किया है। और एक टॉयलेट हमने अटैच इस बेडरूम से अटैच किया है, जो कि 4 फिट बाई करीबन 8 फिट का है। काफ़ी बड़ा सा स्टैंडर्ड साइज का टॉयलेट है। ये हमारे वार्डरोब हैं, जो कि सामान वगैरह रखने के लिए यहाँ पर हम प्लान कर सकते हैं। और ये दूसरा टॉयलेट है, जो कि लॉबी से अटैच है। तो ये हमारा था ग्राउंड फ्लोर प्लान। इसका जो फर्स्ट फ्लोर प्लान है एज इट इज़ है, इसमें हमने जो फ्रंट वाला बेडरूम है इसको हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट नहीं किया है। बाकी हमारा एज इट इज़ जो हमारा ग्राउंड फ्लोर पे था वैसे ही हमने, आप ये देख रहे हैं, ये हमारा बेडरूम ग्राउंड फ्लोर पे भी था, ऐसे ही बेडरूम हमने यहाँ पर भी प्लान किया है। एक टॉयलेट अटैच किया है इस बेडरूम से, एक टॉयलेट हमने लॉबी से कॉमन टॉयलेट यहाँ पे प्लान किया हुआ है, जो ग्राउंड फ्लोर पे था। और किचन हमारा एज इट इज़ है, लॉबी एज इट इज़ है हमारी, और स्टेयर भी हमारा यू शेप में। ऐसे आप ऊपर की ओर जाएंगे तो सेकेंड फ्लोर पे हम पहुँच जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट फ्लोर प्लान है, जो कि प्लाट साइज 18 फिट बाई 50 फिट है। 100 गज का प्लाट है हमारा, एक स्टैंडर्ड साइज का प्लाट है और इसकी चौड़ाई कम है। उसी के अकॉर्डिंग हमने इसका प्लान किया है, एज ए रेजिडेंशियल पर्पज़ से जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग हमने इसकी प्लानिंग किया है। ये फ्रंट एलिवेशन है, फ्रंट एलिवेशन में आप देख रहे हैं, ये डोर हमारा, ये डोर यहाँ पे दिख रहा है, ये विंडो हमारी यहाँ पे विंडो है दिख रही है। एक हमने यहाँ पे वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है, जिससे कि फुली वेंटिलेशन हमें मिले। और एक डोर हमारा ये वाला है, जो कि यहाँ पर डोर हमारा लगा हुआ है, ये वाला डोर हमने यहाँ पर, एक डोर ये हमारा आ रहा है ग्राउंड फ्लोर वाला। बाकी हमारा जो है स्टेयर केस का पूरा ऐसे बनता है। और सेकेंड फ्लोर पे हमने इसको कवर करने के लिए यहाँ पे कुछ ऐसे डिज़ाइन किया हूँ। और जो फर्स्ट फ्लोर का है सेम हमारा विंडो, यहाँ पे विंडो दिख रही है, ये डोर हमारा यहाँ दिख रहा है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने ऐसे कुछ फ्रंट एलिवेशन का प्लान किया हुआ है। तो इस नवरात्रि के शुभ अवसर पे इस घर के नक्शा को अपलोड कर रहे हैं। और हमारा चैनल जो है इंजीनियर अजय टेक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।